हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। और इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M30S के नए OTA अपडेट के रिव्यू के बारे में। तो कल मैंने आपको बताया था कि अपडेट आ चुका है, जो बिल्ड नंबर है वो है ASJ1 का, और आपको यहाँ पर जो है अगस्त का ही सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिलता है। तो मैंने यहाँ पर अपडेट कर लिया है और थोड़े बहुत बिफोर आफ्टर सैम्पल्स भी मैंने लिए हैं, जो कि मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगस्त का सिक्योरिटी पैच है, और जो बिल्ड नंबर है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यह है ASJ1। तो ये दूसरा OTA अपडेट था सैमसंग गैलेक्सी M30S डिवाइस में। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया होगा आपने, तो इस तरह से सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को दबाइए, ऑल करिए, सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर डिवाइस को जो है अपडेट किया, उसके बाद दो तीन बार उसे रिबूट किया। तो आप भी यहाँ पर दो तीन बार रिबूट कर लेना, ताकि जो चेंजेस आए हैं वो फिक्स हो पाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गीक बेंच 4 स्कोर है, मैं यहाँ पर 5 की बात नहीं कर रहा हूँ, गीक बेंच 4 स्कोर आप देख पा रहे हैं। सिंगल कोर स्कोर है 1657 का, और जो मल्टी कोर है 5014 का। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब एंड टू टू बेंचमार्किंग स्कोर की बात करते हैं, तो पिछला स्कोर था 1,54,000 का स्कोर आया था, मैंने आपको बताया था अपडेट वीडियो में। यहाँ पर 1,43,000 का आता है, दो तीन बार मैंने फिर किया तो लगभग 1,49,000 का भी था। तो यहाँ पर बेंचमार्किंग स्कोर में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज तो देखने के लिए नहीं मिला, यहाँ पर मोर और लेस सेम ही था। जैसा पिछले अपडेट में ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए मिला था, 1,24,000 से जो है 1,54,000 तक आपको देखने के लिए मिला था एंड टू टू बेंचमार्किंग स्कोर। ओवरऑल यहाँ पर डिवाइस की स्पीड, या आप कह सकते हैं लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जो कि पहले से ऐसा ही था। अब यहाँ पर अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लो है, एक स्प्लिट सेकंड का यहाँ पर जो है टाइम लेता है, वो पहले से ऐसा ही है। अभी भी अपडेट के बाद मुझे सेम ही यहाँ पर लग रहा है, ज़्यादा कुछ चेंज देखने के लिए नहीं मिला। अगर यहाँ पर मैं फेस अनलॉकिंग की बात करूँ, तो यहाँ पर फेस अनलॉकिंग भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देती है। और इस अपडेट के बाद भी यहाँ पर मुझे यहाँ पर सेम ही लगा है स्पीड, तो बहुत ज़्यादा कुछ जो है ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए नहीं मिला। और एक बात जो यहाँ पर चेंज लॉग में जो है सैमसंग ने यहाँ पर ज़्यादा कुछ मेंशन भी नहीं किया है, और सिक्योरिटी पैच भी हमको यहाँ पर सेम देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर पता नहीं कब जो है आपको नेक्स्ट अगस्त के बाद यहाँ पर सितंबर या डायरेक्ट अक्टूबर का यहाँ पर शायद सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाए, लेकिन कब तक मिलेगा यहाँ पर कुछ भी मैं यहाँ पर आपको बता नहीं सकता हूँ। अगर यहाँ पर मैं रैम मैनेजमेंट की बात करूँ, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतर तो देखने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन अपडेट के बाद मुझे यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर जो रैम मैनेजमेंट है वो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही थी। तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर रैम मैनेजमेंट कैसी लग रही है अपडेट के बाद। तो मुझे यहाँ पर रैम मैनेजमेंट थोड़ा सा बेहतर लगा। कैमरा की अगर बात करूँ, तो मैंने बिफोर अपडेट और आफ्टर अपडेट कुछ यहाँ पर सैम्पल्स लिए थे, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट 12 मेगापिक्सल में ली गई है, 48 मेगापिक्सल शॉट्स नहीं है, HDR मोड ऑन करके ली गई है। और अगर मैं सैम्पल्स की बात करूँ, यहाँ पर मोर और लेस यहाँ पर कोई भी फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर जो बैक कैमरा का परफॉर्मेंस है वो मुझे यहाँ पर अच्छा लगा है। बहुत रिव्यूअर्स को यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M30S का बैक कैमरा परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा बेहतर नहीं लगा है, लेकिन मुझे यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सिनेरियोस में ये जो परफॉर्मेंस देती है M30S, वो मुझे Realme 5 Pro से भी बहुत ज़्यादा सीनियर्स में यहाँ पर बेहतर लगा है। मैंने एक डिटेल कंपैरिजन भी बनाई है, आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। और यहाँ पर मुझे ओवरऑल ज़्यादा कुछ चेंज नज़र नहीं आया बिफोर एंड आफ्टर जो सैम्पल्स हैं। खाली मुझे यहाँ पर जो कंप्लेंट है वो फ्रंट कैमरा को लेकर है, कि वहाँ पर थोड़ा सॉफ्ट इमेजेस आता है। ओवरऑल जो HDR परफॉर्मेंस है इस कैमरे का, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। फ्रंट कैमरा का भी HDR परफॉर्मेंस बेहतर है, बैक कैमरा का भी HDR परफॉर्मेंस बेहतर है। इवन द अल्ट्रा वाइड लेंस से अगर आप जब फोटोज़ क्लिक करोगे, वहाँ पर भी आपको HDR परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा, जो कि इतना अच्छा HDR परफॉर्मेंस अल्ट्रा वाइड में होता नहीं है। तो बिफोर एंड आफ्टर आप सैम्पल्स देख पा रहे हैं सेल्फी कैमरा से। सेल्फी कैमरा में होता यह है कि जब आप जूम इन करते हैं, आपको डिटेलिंग थोड़ा सा कम लगता है, फेस में थोड़ी सॉफ्ट इमेजेस आती है। आई होप यहाँ पर सैमसंग जो है अपडेट की मदद से ये डिटेलिंग थोड़ा सा यहाँ पर जो बूस्ट अप कर दे, पर अभी के लिए तो इस अपडेट में आपको यहाँ पर डिटेलिंग बहुत ज़्यादा जो है चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है। मतलब आइडेंटिकली है, बिफोर आफ्टर में आपको डिटेलिंग में कुछ फ़र्क नहीं आएगा फ्रंट कैमरा में। और ओवरऑल यहाँ पर जो HDR परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलती है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, मैं आपको बता सकता हूँ। बैटरी के बारे में अगर बताऊँ, तो बैटरी अभी इतना ज़्यादा लंबा यूज़ नहीं किया है, जैसे लंबा यूज़ करेंगे तो पता चलेगा। तो मैं आपको चार्जिंग टाइम और स्क्रीन ऑन टाइम के बारे में, कितना बैटरी बैकअप बेहतर हुआ है, वो आपको सारा कुछ बताऊँगा आने वाले वीडियो में। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।